गर्मी में हिल स्टेशन जाने का सिलसिला तो आजकल शुरू नहीं हुआ था, बल्कि बरसों पहले हमारे जो राजा महाराजा थे वो हर साल जाते थे, और सिर्फ गर्मी से बचने के लिए नहीं, गर्मी में होने वाले बीमारियों से बचने के लिए भी। क्लाइमेट और बीमारियों में एक पुराना रिश्ता है, और ये रिश्ता 19वीं सेंचुरी में जाकर कुछ ज़्यादा ही गहरा हो जाता है। 1970s के बाद रिसर्चर्स को 1500 नए वायरसेस मिले, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गए हैं। जो वायरसेस लोकल बॉर्डर्स के अंदर ही फैल कर ख़त्म हो जाते थे, वो आज एक महीने के अंदर ही इंटरनेशनल थ्रेट बन जाते हैं। 14वीं सेंचुरी यूरोप में ब्लैक डेथ कर एक महामारी फैलने लगी थी, लेकिन तब के एक्सपर्ट समझ गए थे कि इस बीमारी को हराने के लिए हमें आइसोलेशन, लोगों में इम्यूनिटी, हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार और गंदगी ठीक करनी पड़ेगी। तब से अब तक 7 सेंचुरीज बीत गए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ और गंदगी को आज भी ठीक नहीं कर पाई। अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो सिर्फ 19वीं सेंचुरी में 6 बार कॉलर आउटब्रेक्स हुए थे, और कॉलर आप सबको पता होगा कि गंदे पानी या खाने से होता है। बढ़ती आबादी, गंदगी और उसके साथ साथ इंडिया का क्लाइमेट बहुत सारे बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो डेंगू हो, प्लेग हो, चिकनगुनिया हो या जॉन्डिस। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्हें हम नेचर में अपने आप से होने वाली बीमारियाँ मानकर चलते थे, लेकिन काफ़ी हद तक इनके पीछे हमारा ही हाथ है। अर्बनाइजेशन के बाद फ्लड्स बढ़ने लग गए, और फ्लड के बाद पीने का पानी और स्वेज का पानी मिल जाने का बहुत डर रहता है। 2004 के बांग्लादेश फ्लड के बाद लोगों को डायरिया होने लग गया था, वैसे ही पंजाब में रिवर इरिगेशन शुरू करने के बाद उस एरिया में मलेरिया आउटब्रेक्स होने लग गए थे। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2013 का केदारनाथ लैंडस्लाइड के पीछे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रोड एक्सपांशन का हाथ है। हम डेवलपमेंट के चक्कर में हर चीज़ का बैलेंस बिगाड़ते थे, जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते थे, काफ़ी सारे आज धीरे धीरे मैनमेड होते जा रहे हैं। इसके बावजूद हम हमारे हेल्थ केयर सेक्टर पर एकदम ध्यान नहीं देते। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से इंडिया ने 2016 में सिर्फ 3.14% ही खर्च किए थे हेल्थ केयर पर, जबकि चाइना ने 9.05%, इटली ने 13.47% और ईरान ने 22.6% खर्च किए थे। हर एक कंट्री जैसे वॉर के लिए हमेशा तैयार रहता है, वैसे ही फ्यूचर में होने वाले बीमारियों से लड़ने के लिए हमें हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को उतना ही मजबूत और तैयार बनाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन और नए नए दवाइयों के साथ हम एक और चीज़ बनाते हैं लैब में, नए वायरसेस। इन्हें हम बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं। नए कीटाणुओं को बनाकर हम हमारे एलिमिनेशन पर छोड़ देते हैं। इन्हें फैलाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कुछ होते हैं जो पाउडर में मिलाकर लोगों तक पहुँचा दिया जाता है, तो कुछ को हवा में स्प्रे कर दिया जाता है, कुछ को खाने में मिला देते हैं, तो कुछ को पीने के पानी में। इनफैक्ट जिन लैब्स में ऐसे काम हो रहे होते हैं, उन लैब से ये वायरसेस गलती से निकल भी सकते हैं। काफ़ी सारे देशों में ये गवर्नमेंट फंडेड होता है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसे काम किए हैं पहले। रिसर्चर्स का कहना है कि पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बायो वेपन का इस्तेमाल किया था। जापान के शिरो इशी को फादर ऑफ जापानीज बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम मानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले शिरो ने टोक्यो आर्मी मेडिकल स्कूल में इसकी रिसर्च शुरू की, और 1945 में इसकी मदद से जापान ने चाइना पर हुकूमत जमाई। जापान में तब 26 रिसर्च सेंटर्स थे, उसमें 600 कैदियों की मौत हर साल होती थी, जिन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जापान ने एक बार चाइना के सिटीज़ पर, उनके रास्तों पर, उनके खेतों में इन्फेस्टेड मक्खियाँ छोड़ दी थी। ये वायरस चाइना में सालों तक लोगों की जान लेती रही। 1941 में अमेरिका ने भी बायोलॉजिकल वेपन का रिसर्च शुरू किया। अब कई सारे एग्रीमेंट्स बने, डिक्लेरेशन साइन हुए हैं बायोलॉजिकल वेपन्स का रिसर्च बंद करने के लिए, लेकिन इंटेलिजेंस का मानना है कि आज भी साउथ अफ्रीका, इसराइल, इराक, चाइना और बहुत सारे देशों में बायो वेपन्स बन रहे हैं। 2019 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि बायोटेररिज्म दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम हमारे हेल्थ केयर सेक्टर पर कम इन्वेस्ट करते हैं और मशीन गन्स में ज़्यादा। आज हम ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर हमारा डिसीजन बहुत मैटर करता है। हम सबको सोचना चाहिए कि आज पूरी दुनिया ऐसी सिचुएशन में क्यों है, और अगर हमें लगता है कि ये हमारे प्रायोरिटीज़ और लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से हो रहा है, तो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट को भी ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए जिनकी वजह से ये प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाए। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हमारे रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ा, हम एक्चुअली कितने बुरे सिचुएशन में हैं, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, पता करिए हर चीज़ से। बाय।